हेलो गाइस, मैं रितम और आप लोग देख रहे हो आरटीएम्स गेमिंग एंड टेक। तो आज हम सीखेंगे कोई भी एंड्रॉइड टीवी में इंटरनेट की मदद से कोई भी चैनल देख सकते हो विदाउट केबल कनेक्शन और डिश टीवी के। तो जिनके पास एंड्रॉइड टीवी नहीं है वो लोग भी कर सकते हो, जिनके पास स्मार्ट टीवी है, जिनके पास सीआरटी टीवी है वो लोग भी कर सकते हो। तो उसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहो कैसे क्या करना है। और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, घंटी भी बजा दो। चलो कैसे क्या करते हैं वो ध्यान से सब देख लो तो आप सीख जाओगे। चलो तो हम आ गए हैं हमारे लैपी के मॉनिटर में। आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो। तो पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो, फिर सिंपली टाइप कर दो जियो टी वी ए पी के फॉर एंड्रॉयड टी वी। तो पहला वाला जो है इसका वर्जन 1.0.4 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 5.9.4 का जो चल रहा है, ये देखो ए वाला, इसमें क्लिक कर लो और एकदम नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, फिर देखो गो टू डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर दो। फिर से स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ और देखो जियो टी वी मॉड 5.8.3 जियो टी वी है, इसको डाउनलोड कर लो। देखो ये डाउनलोड में आ चुकी है, ठीक है, डाउनलोड हो रहा है इसका। तो डाउनलोड हो चुकी है ये, इसका जो फाइल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी दबाकर। और आप लोग अपना पेन ड्राइव और एसडी कार्ड किसी में भी ले सकते हो। तो मैं फिलहाल पेन ड्राइव का यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल वी दबाकर मैं इसको पेस्ट कर दिया। तो जियो टी वी 5.8.3 का जो एपीके है वो मेरे पेन ड्राइव में मैंने इंसर्ट कर लिया। अब जो करना है वो देख लो। तो गैस मैंने जो एपीके पेन ड्राइव में लिया है वो पेन ड्राइव में मेरे एंड्रॉयड टीवी में इंसर्ट कर देता हूँ। और मेरे डिस्क्रिप्शन में एपीके का लिंक दिया है, तो जिस किसी को भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मैं मेरे पेन ड्राइव मेरे एंड्रॉयड टीवी में इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट कर लिया है और मैं जाता हूँ मेरे मीडिया प्लेयर पर, डिवाइस पर सैंडिस्क यूएसबी, जो मेरा पेन ड्राइव है और जो मेरा एपीके फाइल है उस पर आ गया। इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल से। मेरे पास फिलहाल MI 4A Pro 43 इंच एंड्रॉइड टीवी है। इंस्टॉल होने के बाद डन कर दीजिए और अपना टीवी का जो वाईफाई है वो कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मेरा फिलहाल कनेक्ट है, अपना वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जियो टीवी में कुछ परमिशन मांग रहा है जो मैं सब अलाउ कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो जियो का फोन नंबर और पासवर्ड है इसको इंटर करना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल इंटर कर दे रहा हूँ। तो मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब साइन इन कर लेता हूँ। तो देखो फ्रेंड सब चैनल चले आया, ठीक है। मैं कुछ चैनल प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखा फ्रेंड सब चैनल चल रहा है विदाउट केबल कनेक्शन और डिश टीवी के इंटरनेट की मदद से। तो जिनके पास एंड्रॉइड टीवी नहीं है, जिनके पास स्मार्ट टीवी है वो लोग एक
टीवी बॉक्स खरीद लो तो आपका स्मार्ट टीवी कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रॉयड टीवी में। अगर आपके पास सीआरटी टीवी है तो एक एवी टू एचडीएमआई कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, प्लस ये जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है इसको खरीदना पड़ेगा। तो आपका सीआरटी टीवी भी आप एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो और आप कोई भी चैनल इंटरनेट की मदद से देख सकते हो विदाउट डिश टीवी और केबल कनेक्शन के। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो और घंटी भी बजा दो, और मैं ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो लाते रहूंगा तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ तो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।